हेलो गाइस, वेलकम अगेन विद अनदर वीडियो। तो गाइस, वीडियो बनाने के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है। वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे सेजल की वीडियो देखनी पड़ी थी, सेजल की दिमाग खराब हो जाएगा मैं माँ। लेकिन आज भी सेजल की जैसी एक और प्राणी मिली है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अरे नहीं नहीं, ये लेटरिंग नहीं चाटती है, लेकिन पता नहीं वीडियो बनाने के चक्कर में चाट भी सकती है। आज की जो क्रिएटर है ना, उसे खुद नहीं पता होगा कि वो करती क्या है और क्या करना चाहती है। उसे लगता है कि इंटरनेट पर गंदी बातें करने से फॉलोअर भी बढ़ते हैं, लेकिन एक मिनट, सही भी बात है, फॉलोअर भी बढ़ते हैं। ये है इसका इंस्टाग्राम पेज। इसकी वीडियो देखने से पहले चलो इसके फॉलोअर्स को देखते हैं। इसके फॉलोअर्स 4.5 लाख हैं। इन लोगों से मेरा एक ही सवाल है कि तुम लोगों के अंदर कितनी ज्यादा ठरक भरी हुई है, ये इसके फॉलोअर्स से पता चलता है। भाई, लड़की की ठरकी बातें सुनने में मजा भी आता है इन लोगों को। कैसा कैसा क्या मतलब भाई, कि तुम लोगों के अंदर इतनी ठरक भर चुकी है कि कोई गंदी बात बोल भी दे तुम लोगों का मूड बन जाता है। लेकिन भाई, इन क्रिएटर्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि लोगों को ऐसी ही बातें सुनने में मजा आ रहा है तो वो सुनेंगे, तो वो बनाएंगी भी ऐसी ही रील्स। पर भाई, ये लोग भी ठरकी लोगों को एंटरटेनमेंट करते हैं बहुत ज्यादा। चाहे बॉडी बिल्डर हो या पतला लड़का हो, हमको तो ऐसे से मतलब है जो देखते ही हमारे हो जाए खड़ा और ना बैठे जब तक हम ना चाहें। भाई, कुछ समय पहले एक कमेंट वायरल होता था कि हर वीडियो पर कोई ना कोई लड़की जाकर कमेंट करती थी, मैं प्यासी हूँ। लगता है उसी लड़की ने अपने इंस्टाग्राम आईडी बना ली है। अगर तुम आजकल चिप्स लेने भी जाओ ना, चिप्स भी तुम्हारी फेवरेट फ्लेवर का नहीं मिलेगा। पर अगर तुम इंस्टाग्राम पर किसी की आईडी ढूंढ रहे हो ना, और किसी ठरकी इंसान की आईडी ढूंढ रहे हो ना, तो वो 10 तरीके की आईडी मिल जाएंगी और उसी तरीके का कंटेंट बना रहे होंगी सारी आईडी। लेकिन भाई, एक बार तुम इस लड़की की वीडियो यही वाली म्यूट करके देखो। चलो मैं दिखाता हूं तुमको। तुम बताओ, इस लड़की की शक्ल देख के कहीं लगता है कि इसके दिमाग में इतनी ज्यादा ठरकी सोच भरी होगी और ये इतनी ज्यादा ठरकी होगी। इसीलिए कहते हैं, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। सबको गर्लफ्रेंड भी चाहिए और हमको दोष भी देते रहते हैं। अरे, हमको रखने पड़ते हैं 8-10 बॉयफ्रेंड ताकि सब लड़कों को गर्लफ्रेंड मिल सके, क्योंकि लड़कियों का रेशियो कम है देश में। अरे दीदी, अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम्हें पता होता, लेकिन तुमने तो पढ़ाई ही नहीं की। गवा अनपढ़ है क्या, पागल है? अरे दीदी, माना तुम अनपढ़ हो तभी ऐसी वीडियो बनाती हो, लेकिन ये बात साबित तो मत करो। चूतिया लिखा है क्या? अरे दीदी, तुम ज्यादा नहीं, 2023 का डाटा चेक कर लो, 1020 फीमेल्स पर 100 मेल है। अरे दीदी छोड़ो, तुम्हें इतना भारी डाटा समझ में कहाँ से आएगा, तुम जो अनपढ़ जो ठहरी। अरे दीदी, सीधा समझो, लड़के कम है, लड़कियां ज्यादा हैं, बढ़िया है 10-8 बॉयफ्रेंड रखने वाली। और कौन कहता है एक म्यान में दो तलवार नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है, बस डालनी आनी चाहिए। अच्छा, तुम इसे कर ही लो तलवारबाजी। मतलब आज के टाइम पे हर चीज को इतना ज्यादा सेक्सुअलाइज कर दिया गया है ना, कि तुम किसी भी चीज को सोच लो उसी सेंस में तुम सोचने लगोगे। जैसे अब तुम तलवार को ही सोच लो, तुम्हारे दिमाग में किसी और तलवार के बारे में चल रहा, लेकिन तलवार तो वो होती है ना जिससे काटा पीटा जाता है। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? भाई, इन लोगों में मम्मी पापा की बेल्ट और चप्पल की कमी रह गई है। अगर वो सही टाइम पे मिल जाता ना, तो ऐसा कंटेंट नहीं बनाते ये लोग। यार, मैं जब भी कहीं घूमने जाती हूँ तो हमेशा बारिश हो जाती है, और मुझे बारिश में घूमना बिल्कुल पसंद नहीं, बस मुझे येलो कलर की बारिश में भीगना पसंद है। अरे इसको केवल येलो कलर की बारिश में भीगना पसंद है? अरे दीदी, उसे लूज मोशन कहते हैं, लूज मोशन में भीगना पसंद है तुम्हें। कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था, फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। भाई क्या वजह है, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट और अनदर लेवल की रिस्पेक्ट में। अरे यही कंटेंट चाहिए लोगों को, फिर कहते हैं ये डार्क कर रही है, लेकिन इसी पर देखो तुम लोगों को बहुत सारे व्यू मिल जाएंगे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ।
भाई अगर तुम्हें अच्छे बच्चे चाहिए है ना तो उन्हें टाइम टू टाइम बेल्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन देते रहना, वरना वो भी ऐसे ही निकल जाएंगे। वो नहीं होती गुड पेरेंटिंग। समझ में आया? नहीं भाई। ऐसा ही कंटेंट और भी लोग बनाते हैं, उनको अगली वीडियो में देखते हैं। ओके गाइस दैट इज माय टुडे। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अब मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दे और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताए। तो मैं भी जा रहा हूं, तब तक के लिए बाय।